हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 6 दिसंबर तक। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन क्राउनड एज ए विमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। आपको बताना है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने विमेन ऑफ द ईयर खिताब इनमें से किसको दिया। ऑप्शन है आपके पास सीमा पुनिया, पीटी उषा, चित्रा सुमन या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, अंजू बॉबी जॉर्ज को विमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपको बताना ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन इनमें से किसको नामजद किया गया है। ऑप्शन से आपके पास जेशा, सुरेश टेंगोय, बाबा रामदेव या फिर संबित पात्रा। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 6 दिसंबर एज मैत्री दिवस। आपको बताना है इंडिया और कौन सा मुल्क दिसंबर 6 को मना रहे हैं मैत्री दिवस के तौर पर। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चाइना। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट पुलिस हैज कंडक्टेड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी। आपको बताना है हाल ही में किस रियासत की पुलिस ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी को कंडक्ट किया। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, आसाम, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल नेवी डे इज सेलिब्रेटेड। आपको बताना है इंडिया में नेशनल नेवी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिसंबर 2nd, दिसंबर 3rd, दिसंबर 4th या फिर दिसंबर 5th। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, दिसंबर 5th को हर साल इंडिया में नेशनल नेवी डे मनाया जाता है। और दोस्तों साथ में ये भी याद रखें कि साल 2021 के लिए इंडियन नेवी डे का थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी। आपको बताना है किस रियासत या यूनियन टेरिटरी में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। साल 2021 के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल का 22nd एडिशन मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट यूटी। आपको बताना हाल ही में किस रियासत या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को इम्प्लीमेंट किया। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, यूपी, दिल्ली या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, दिल्ली ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट यूटी हैज वॉन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। आपको बताना है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में इनमें से किस रियासत या यूनियन टेरिटरी ने गोल्ड मेडल अवार्ड जीता। ऑप्शन है आपके पास बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, केरला या फिर गुजरात। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, बिहार। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।